Professor Hindi Chatti welcomes you all in the 13th lecture of Electrical Measurements. So my dear students, we have discussed about the induction type energy meter in the last lecture, right? So in that we have discussed about its construction, right? So this is the construction of the induction type in, energy meter. So four main parts of the operating mechanism are driving system, moving system, braking system and registering system, right? So all these four operating mechanisms we have already discussed in the last lecture, right? Then we have discussed about the working principle also and its advantages. So that much of syllabus we have covered in the last lecture, right? So now in today's lecture we are going to discuss about the errors and their compensation, right? The different errors are taking place in the energy meter and how we will compensate these errors. So let's see this point, right? So जैसे हमने वैट मीटर में अलग अलग एरर्स देखे थे, ठीक है, और उसके कंपेंसेटिंग मेथड्स देखे थे, वैसे एनर्जी मीटर में भी कुछ एरर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एनर्जी मीटर के एरर्स देखने हैं और उसको कंपेंसेट कैसे करते हैं हम, यानी उसको उस एरर को मिनिमाइज या फिर रिड्यूस कैसे करते हैं, ठीक है, वो देखेंगे इसमें, ठीक है। सो फर्स्ट एरर है आपका फेज एरर। सो मीटर विल रीड करेक्टली ओनली इफ शंट मैग्नेट फ्लक्स लैग्स बिहाइंड द सप्लाई वोल्टेज बाय एग्जैक्टली 90 डिग्री। मीटर रीडिंग आपका जो मीटर है वो आपका रीडिंग जो है वो करेक्टली रीड तभी करेगा जब आपका शंट मैग्नेट फ्लक्स लैगिंग में होगा सप्लाई वोल्टेज से, कितने डिग्री से, 90 डिग्री, ठीक है। जो मीटर है आपले एनर्जी मीटर ते करेक्ट वैल्यू रीड करेल, कधी वैल्यू रीड करेल करेक्ट, जेव्हा तिथलं शंट मॅग्नेट फ्लक्स हे सप्लाय व्होल्टेजच्या एक्झॅक्टली 90 डिग्री ना लॅगिंग मध्ये असेल तेव्हाच ते मीटर आपलं करेक्ट व्हॅल्यू किती रीड करेल, ठीक आहे। सो सिन्स द शंट मॅग्नेट कॉइल हॅज सम रेझिस्टन्स, तो हमें मालूम है शंट मैग्नेट कॉइल को कुछ रेजिस्टेंस होता है एंड इज नॉट कम्प्लीटली रिएक्टिव, और वो कम्प्लीटली रिएक्टिव नहीं होता। सो दिस शंट मैग्नेट फ्लक्स डज नॉट लैग द सप्लाई वोल्टेज बाय एग्जैक्टली 90 डिग्री, तो उसकी वजह से शंट मैग्नेट का जो फ्लक्स है वो सप्लाई वोल्टेज से एग्जैक्टली 90 डिग्री लैगिंग में नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला कि शंट मैग्नेट के कॉइल को कुछ तो भी रेजिस्टेंस रहेगा आपका, वो कम्प्लीटली आपकी रिएक्टिव नहीं रहेगी शंट मैग्नेट की कॉइल, तो उसकी वजह से शंट मैग्नेट का फ्लक्स आपके सप्लाई वोल्टेज से एग्जैक्टली 90 डिग्री लैगिंग में नहीं होगा। सो द रिजल्ट इज दैट द मीटर विल नॉट रीड करेक्टली एट ऑल पावर फैक्टर्स। तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा अपने को कि एनर्जी मीटर जो है अपना वो वैल्यू रीड नहीं करेगा करेक्टली एट ऑल पावर फैक्टर्स। क्लियर है, समझ में आया? तो ये सेकंड पॉइंट है, तिथलं शंट मॅग्नेट कॉइल जे आहे आपली, ठीक आहे, शंट मॅग्नेट कॉइलला काहीतरी रेजिस्टन्स असणार आहे, ती कम्प्लीटली रिएक्टिव्ह नसणार आहे आपली शंट कॉइल, त्यामुळं शंट मॅग्नेटचं जे फ्लक्स आहे ते सप्लाय व्होल्टेजच्या एक्झॅक्टली 90 डिग्री लॅगिंग मध्ये नसणार आहे, त्यामुळे त्याचा रिझल्ट काय मिळेल आपल्याला, तर मीटर आपली व्हॅल्यू रीड करताना करेक्टली रीड करू शकणार नाही ऍट ऑल पॉवर। मग मीटरनं जर व्हॅल्यू रीड करेक्टली करायला केली करायची असेल तर आपल्याला काय करायला लागेल ऍडजस्टमेंट त्यामध्ये, ठीक आहे। सो ऍडजस्टमेंट काय करायला लागेल ते पाहू आपण। हिअर बाय मुव्हिंग द शेडिंग कॉइल अप अँड डाऊन द सेंट्रल, आम्ही काय करणार होगा जो मुव्हिंग बाय मुव्हिंग द शेडिंग कॉइल, जो शेडिंग कॉइल रहेगी आपको उसको अप अँड डाऊन सेंट्रल लिंब पे आपको मूव करना होगा। द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन शंट मैग्नेट फ्लक्स एंड सप्लाई वोल्टेज कैन बी एडजस्टेड टू 90 डिग्री, ठीक है। आपकी जो शेडिंग कॉइल है उसको सेंट्रल लिंब के ऊपर आपको एक तो अप एंड डाउन करना होगा उसको, और इस तरीके से उसको अप एंड डाउन करना है ताकि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है शंट मैग्नेट फ्लक्स एंड सप्लाई वोल्टेज में का वो एडजस्ट हो सके 90 डिग्री पे, ठीक है। शेडिंग कॉइल जी है अपने सेंट्रल लिंब वरती अशा प्रकार तिला अप अँड डाऊन करायचं आहे की जेणेकरून तिथली जी डिस्प्लेसमेंट आहे शंट मॅग्नेट फ्लक्स मधली आणि सप्लाय व्होल्टेज मधली
ये एडजस्ट झाली पाहिजे 90 डिग्रीला, ठीक आहे. तो दिस ॲडजस्टमेंट इज नॉन ॲज लॅग ॲडजस्टमेंट और पॉवर फॅक्टर इम्प्रूवमेंट. तो इसी ॲडजस्टमेंट को बोलते हैं लॅग ॲडजस्टमेंट, या फिर उसको भी बोलते हैं पॉवर फॅक्टर इम्प्रूवमेंट. क्लियर है. तो दिस इज द फेज एरर. ये क्या हो गया आपका, फेज एरर. फेज यानी वहां का जो फेज एंगल है उसमें एरर हो रहा है यहाँ, ठीक है. तो उसकी वजह से उसको नाम दिया है फेज एरर. नाउ सेकंड टाइप का एरर है स्पीड एरर, ठीक है. तो स्पीड एरर क्या होता है देखेंगे. समटाइम्स द स्पीड ऑफ द डिस्क ऑफ द मीटर इज आइदर फास्ट और स्लो. कभी कभी क्या होता है, जो स्पीड है अपने डिस्क का, मीटर के डिस्क का, वो एक तो फास्ट होता है या फिर स्लो होता है. तो रिजल्टिंग इन द रॉन्ग रीडिंग ऑफ द एनर्जी कंजम्पशन. तो उसकी वजह से वहां पे हमें रॉन्ग रीडिंग जो है एनर्जी कंजम्पशन की वो मिल सकती है, ठीक है. जब आपका स्पीड जो है डिस्क के मीटर का वो अगर फास्ट या फिर स्लो हो जाए, तब हमें जो जो रीडिंग है, ठीक है, एनर्जी कंजम्पशन की, या फिर रिकॉर्ड जो है एनर्जी कंजम्पशन का, वो रॉन्ग मिलता है. तो ये हम इसको कंपेंसेट कैसे कर सकते हैं, फिर इसको एडजस्टमेंट क्या कर सकते हैं. तो इसमें दिया है द स्पीड ऑफ द डिस्क ऑफ द एनर्जी मीटर कैन बी एडजस्टेड टू द डिजायर्ड वैल्यू बाय चेंजिंग द पोजिशन ऑफ द ब्रेक मैगनेट. ब्रेक मैगनेट की पोजिशन आपको चेंज करके जो स्पीड है डिस्क की एनर्जी मीटर की, उसको आप डिजायर्ड लेवल पे, डिजायर्ड वैल्यू पे उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है. समझ में आया. तो ये एडजस्टमेंट करनी होगी आपको स्पीड एरर को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है. तो ये आपका सेकंड टाइप का एरर है, ठीक है. देन थर्ड टाइप का एरर है आपका फ्रिक्शनल एरर. फ्रिक्शनल एरर, ठीक है. फ्रिक्शनल फोर्सेस एट द रोटर बियरिंग्स एंड इन द काउंटिंग मैकेनिज्म कॉज नोटिसेबल एरर स्पेशली एट द लाइट लोड्स. जो फ्रिक्शनल फोर्सेस होते हैं आपके रोटर बियरिंग्स में एंड काउंटिंग मैकेनिज्म में, उसके वजह से वहां पे एक नोटिसेबल एरर एट लाइट लोड्स पे वहां पे पॉज हो सकता है, यानी वो एरर यहां पे हो सकता है, ठीक है. फ्रिक्शनल फोर्सेस जो होते हैं आपके रोटर बियरिंग में एंड इन काउंटिंग मैकेनिज्म में, उसकी वजह से वहां पे एक नोटिसेबल एरर लाइट लोड्स में कॉज हो सकता है, ठीक है. तो ये फ्रिक्शनल एरर को मिनिमाइज करने के लिए क्या एडजस्टमेंट करनी होगी अपन को. तो इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड कॉन्स्टेंट एडिशन टू द ड्राइविंग टॉर्क दैट इज इक्वल एंड अपोजिट टू द फ्रिक्शन टॉर्क. यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड कॉन्स्टेंट एडिशन टू द ड्राइविंग टॉर्क. इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड अ कॉन्स्टेंट, हमें क्या करना होगा, एक वहां पे कॉन्स्टेंट एडिशन ड्राइविंग टॉर्क जो कि आपका इक्वल एंड अपोजिट रहेगा फ्रिक्शन टॉर्क को, ठीक है, वो प्रोवाइड करना पड़ेगा. इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड आपको ए कॉन्स्टेंट एडिशन टू द ड्राइविंग टॉर्क जो आपका इक्वल एंड अपोजिट है फ्रिक्शन टॉर्क के, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है. तो ये एडजस्टमेंट करके हम यहाँ पे के फ्रिक्शनल एरर को मिनिमाइज करते हैं, ठीक है. ये है आपकी थर्ड टाइप का, समझ में आया. स्पीड एरर का मतलब समझ ना. स्पीड एरर मध्ये काय सांगितलं आपण की समटाइम्स काय होतं, जी स्पीड असते डिस्क मीटरच्या डिस्कची ती एकतर फास्ट असते किंवा स्लो असते, त्यामुळे आपल्याला रॉंग रेकॉर्ड जो आहे एनर्जी कन्झम्पशन तो तिथे मिळतो. आणि हे हा स्पीड एरर मिनिमाइज करण्यासाठी आपण ऍडजस्टमेंट काय केली, तर स्पीड जी आहे डिस्कची आपल्या एनर्जी मीटरची ती आपण ऍडजस्ट करू शकतो डिझायर्ड व्हॅल्यूला. कशी ऍडजस्ट करू शकतो, तर आपल्याला तिथल्या जी ब्रेक मॅग्नेटची जी पोझिशन आहे ती चेंज करून आपण त्याची स्पीड डिझायर्ड व्हॅल्यूला ऍडजस्ट करू शकतो. हा स्पीड एरर सांगितलं. फ्रिक्शनल एरर म्हणजे काय, फ्रिक्शनल फोर्सेस जे असतात रोटर बियरिंगमध्ये किंवा आणि तिथल्या काउंटिंग मेकॅनिझममध्ये, त्यामुळे तिथे एक नोटिसेबल एरर ऍट लाईट लोड्सला तिथं कॉज होत असतो. आणि तो एरर मिनिमाइज करण्यासाठी, फ्रिक्शनल एरर मिनिमाइज करण्यासाठी ऍडजस्टमेंट काय केली आपण, तर आपल्याला एक कॉन्स्टंट जो आहे एक कॉन्स्टंट ड्राय ॲडिशन टू द ड्रायव्हिंग टॉर्क दॅट इज इक्वल अँड अपोजिट टू द फ्रिक्शन टॉर्क,
तिथे एक कॉन्स्टंट ड्रायव्हिंग टॉर्क जो आपला इक्वल आणि अपोजिट असणारे फ्रिक्शन टॉर्कच्या तो ऍडिशन मध्ये आपल्याला तिथं प्रोव्हाइड करायला लागणार आहे. ठीक आहे, एक कॉन्स्टंट ड्रायव्हिंग टॉर्क जो इक्वल आणि अपोजिट असणार आहे तिथल्या फ्रिक्शन टॉर्कचा तो आपल्याला तिथं ऍडिशन मध्ये प्रोव्हाइड करणं गरजेचं आहे. ठीक आहे, या एररला मिनिमाइज करू. नाऊ फोर्थ एरर आहे त्यामधला क्रिपिंग एरर. सो व्हॉट इज मीन बाय क्रिपिंग? सो समटाइम्स द डिस्क ऑफ द मीटर मेक्स स्लो बट कंटिन्युअस रोटेशन ऍट नो लोड. ठीक आहे, काय होतं कधी कधी जी डिस्क आहे मीटरची ती तिथं स्लो पण कंटिन्युअस रोटेशन देत असते नो लोडला सुद्धा. ठीक आहे, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपण आपल्याला माहित आहे की आपण सपोज काही काही वेळेस आपण गावाला जातो, घरामधले आपल्या सगळे जे लोड असतात ते आपण स्विच ऑफ करून जातो, राईट? सगळे बल्ब असतील, फॅन असेल, ठीक आहे, जे काही लोड्स असतील आपले एसी टीव्ही ते सगळे लोड्स आपण स्विच ऑफ करतो आणि आपण गावी जातो. ठीक आहे, आता गावी जर गेलो आपण सपोज 15 दिवसासाठी गावी गेलो आपण किंवा एखाद्या महिन्यासाठी जर गावी गेलो आपण तरी सुद्धा आपलं जे मीटर असतं एनर्जी मीटर त्यामधले जे जुने मीटर होते त्यामध्ये मी सांगितलं की ही डिस्क असते अल्युमिनियम डिस्क. ठीक आहे, सध्याच्या डिजिटल मीटर्समध्ये नाही आहे ही, पण जुने जे अनालॉग टाईपचे इंडक्शन टाईपचे एनर्जी मीटर्स होते त्यामध्ये ही डिस्क होती आणि त्यामुळे ती डिस्क काय होत असते जी डिस्क आहे मीटरची ती स्लो पण कंटिन्युअस रोटेशन तिथं देत असते नो लोड कंडिशनला. म्हणजे सगळे घरातले लोड्स आपले बंद आहेत, ठीक आहे, नो लोड कंडिशन आहे, पण तरी सुद्धा आपल्याला जी डिस्क आहे मीटरची ती स्लो आणि कंटिन्युअस रोटेशन देत असते. ठीक आहे, त्यामुळे काय होतं आपल्या घरामधले सगळे लोड जरी स्विच ऑफ कंडिशन मध्ये असले तरी त्या मंथच्या एंडला आपल्याला काय होतंय एनर्जी बिल येतं ज्यामध्ये आपले एनर्जीचं रीडिंग जरी झिरो असेल आपली कन्झम्पशन जरी कन्झम्पशन झिरो नसणार आहे कारण आपली कंटिन्यू डिस्क काय होणार आहे तिथं रोटेट होणार आहे नो लोड कंडिशनला सुद्धा, त्यामुळं आपल्याला काही ना काही तिथं एनर्जीचं बिल येणार आहे. ठीक आहे, अगदी झिरो एनर्जीचं बिल कधीच येणार नाही आहे कारण तिथं डिस्क कंटिन्यू रोटेशन होत राहणार आहे. ठीक आहे, मग हे कशामुळे झालं आपल्याला त्यावेळेस आपण एवढा विचार करत नाही की आपलं जे डिस्क आहे मीटरची ती कंटिन्यू कंटिन्युअस रोटेशन देते नो लोड कंडिशनला सुद्धा. ठीक आहे, हे आपल्याला तेवढं लक्षात येत नाही आणि आपण समजतो की आपल्या घरामधल्या सगळ्या लाईट जो लोड आहे तो स्विच ऑफ कंडिशन मध्ये असून सुद्धा आपल्याला काही ना काहीतरी लाईट बिल आलेलं असतं. ठीक आहे, एनर्जी बिल आलेलं असतं, तर ते कशामुळं होतं तर या क्रिपिंग एरमुळं. ठीक आहे, समजला क्रिपिंग एर, त्यामुळं इथं काय दिलंय पहा, समटाईम्स द डिस्क ऑफ द मीटर मेक्स स्लो बट कंटिन्युअस रोटेशन आहे. तो मैंने यहाँ पे बोला आपको कि जो डिस्क है मीटर का वो क्या करता है स्लो बट आपके कंटिन्यूस रोटेशन देते रहता है नो लोड पे भी. ठीक है, यानी आपने अपने घर में के सारे लोड्स अगर स्विच ऑफ भी है तो भी आपका जो एनर्जी बिल है उससे कुछ ना कुछ रीडिंग वहां पे मिलेगी, कुछ ना कुछ आपके वहां पे यूनिट्स पड़ेंगे और उसकी वजह से आपको एनर्जी का बिल आएगा या फिर लाइट बिल आएगी. ठीक है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है आपकी क्रिपिंग एरर की वजह से. तो इसको क्या यहाँ पे दिया है, देखो दैट इज व्हेन द पोटेंशियल कॉइल इज एक्साइटेड. अभी ये किसकी वजह से होता है कि वहां की पोटेंशियल कॉइल एक्साइट हुई होती है यानी उसको सप्लाई मिल रहा होता है बट विथ नो करंट फ्लोइंग इन द लोड, लेकिन आपके लोड में से कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रहा होता है. ठीक है, पोटेंशियल कॉइल एक्साइटेड है यानी उसको सप्लाई मिल रहा है पर आपके लोड में से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है, तो दिस इज कॉल्ड एज क्रिपिंग, उसको ही बोलते हैं. तो दिस एरर मे बी कॉल्ड ड्यू टू द ओवर कंपेंसेशन फॉर फ्रिक्शन. ये एरर किसकी वजह से कॉज हो सकता है, क्योंकि वहां का जो ओवर कंपेंसेशन है फ्रिक्शन का उसकी वजह से ये एरर कॉज हो सकता है. एक्सेसिव सप्लाई वोल्टेज की वजह से ये एरर कॉज हो सकता है, वाइब्रेशन की वजह से हो सकता है या फिर स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी वहां पे
ये क्रिपिंग एरर हो सकता है। ठीक है, तो इसके कॉजेस है, ये जो ये क्रिपिंग एरर की कॉजेस क्या क्या है, ओवर कंपेंसेशन फॉर फ्रिक्शन, एक्सेसिव सप्लाई वोल्टेज है, वाइब्रेशन स्टील की स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड स्टील, यही कैसे कॉजेस है या क्रिपिंग एरर। मग या क्रिपिंग एरर ला मिनिमाइज कसं करू शकतो आपण ते पाहणार आहे, त्याचे ऍडजस्टमेंट काय करता येईल आपल्याला। तो इन ऑर्डर टू प्रिव्हेंट दिस क्रिपिंग एरर टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट होल्स आर ड्रिल्ड इन द फेस। आपल्याला काय करायचे, क्रिपिंग एररला अवॉइड करण्यासाठी, प्रिव्हेंट करण्यासाठी दोन डायमेट्रिकली ऑपोजिट होल्स ड्रिल करायचे तिथल्या डिस्क वरती, ॲल्युमिनियम जी डिस्क असणार आहे तिथली त्या डिस्क वरती डायमेट्रिकली ऑपोजिट होल्स म्हणजे छिद्र पाडायचे दोन त्या डिस्क वर। सो धीस कॉजेस सफिशियंट डिस्टॉर्शन ऑफ द फील्ड, त्यामुळे काय होणार आहे तिथल्या फील्ड मध्ये सफिशियंट डिस्टॉर्शन निर्माण होणार आहे, अँड द रिझल्ट इज दॅट दिस टेंड्स टू रिमेन स्टेशनरी वेन वन ऑफ द होल कम्स अंडर वन ऑफ द पोल्स ऑफ द शंट मॅग्नेट। त्याचा रिझल्ट काय मिळणार आहे मग आपल्याला, डिस्क जी आहे ती रिमेन स्टेशनरी राहणार आहे जेव्हा हे जे दोन होल आपण घेतले होते डिस्क वरती त्यामधला एक होल हे तिथल्या एका पोलच्या अंडर मध्ये आल्यानंतर शंट मॅग्नेटच्या ही डिस्क आपली काय राहणार आहे तिथं स्टेशनरी राहणार। ठीक आहे, इसका रिझल्ट क्या मिलता है अपने को, ये हमें क्या करना है, ये क्रिपिंग एरर को अवॉइड करने के लिए कि दो होल्स, दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट होल्स अपने को ड्रिल करना है डिस्क के ऊपर, और इसकी वजह से क्या हो गया आपकी जो फील्ड है उसमें सफिशियंट डिस्टॉर्शन कॉज होगा। तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा आपको को कि डिस्क आपकी रिमेन स्टेशनरी रहेगी जब वन ऑफ द होल आपके वन ऑफ द पोल्स के अंडर आएगा शंट मैग्नेट के, तब आपकी डिस्क क्या रहेगी, स्टेशनरी रहेगी। ठीक है, तो ये आपको क्रिपिंग एरर ऐसे उसको हम अवॉइड कर सकते हैं या फिर प्रिवेंट कर सकते हैं। देन फिफ्थ एरर है आपका टेम्परेचर एरर। तो सिंस वाट आवर मीटर आर फ्रिक्वेंटली रिक्वायर टू ऑपरेट इन आउटडोर इंस्टॉलेशन, जो वैट आवर मीटर्स है यानी अपने एनर्जी मीटर्स है वो फ्रिक्वेंटली रिक्वायर्ड होते हैं तो ऑपरेट इन आउटडोर इंस्टॉलेशन, आउटडोर इंस्टॉलेशन में ऑपरेट होने के लिए फ्रिक्वेंटली रिक्वायर्ड होते हैं अपने एनर्जी मीटर्स या फिर वैट मीटर, एंड आर सब्जेक्ट टू एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, और वो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को सब्जेक्ट किए जाते हैं, यानी अपना जो एनर्जी मीटर हो वो अपने घर के बाहर बिठाया होता है, घर में बिठाया होता है क्या नहीं। ठीक है, तो वो उसको सब्जेक्ट, वो सब्जेक्टेड होता है एक्सट्रीम टेम्परेचर्स के लिए। तो इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर एंड देयर कंपनसेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसकी वजह से जो भी इफेक्ट है टेम्परेचर का और उसको कंपेंसेशन का वो यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो टेम्परेचर एरर म्हणजे काय, आपले जे एनर्जी मीटर्स आहेत किंवा वॅट आवर मीटर्स आहेत त्यांना फ्रिक्वेंटली आपल्याला आउटडोर इन्स्टॉलेशन साठी ऑपरेट करणारे गरजेचं असतं। ठीक आहे, फ्रिक्वेंटली आउटडोर इन्स्टॉलेशन साठी ऑपरेट करणं गरजेचं असतं आणि ते सब्जेक्ट केले जातात एक्स्ट्रीम टेम्परेचर्स वरती, आणि त्यामुळे तो जो इफेक्ट आहे टेम्परेचरचा आणि त्याचं जे कंपेन्सेशन आहे ते इथं अतिशय महत्वाचं आहे। मग त्याच्यामध्ये काय आपण टेम्परेचर एररला मिनिमाइज करण्यासाठी काय ऍडजस्टमेंट करू शकतो, सो ग्रेट केअर एक्सरसाइज इन द डिझाईन ऑफ द मीटर, मीटरचं डिझाईन करते वेळेस आपल्याला ग्रेट केअर तिथं घ्यावी लागते, जास्त काळजी घ्यावी लागते मीटरचं डिझाईन करते। ठीक आहे, आपला फिफ्थ इयर। टेन सिक्स्थ इयर आहे आपका फ्रिक्वेन्सी व्हेरिएशन, सो इफ द सप्लाय फ्रिक्वेन्सी चेंजेस द रिएक्टन्स ऑफ द कॉइल ऑल्सो चेंजेस, सप्लाई फ्रिक्वेंसी अगर चेंज हो गई तो आपका जो रिएक्टन्स रहेगा कॉइल का वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, इफ द सप्लाई फ्रिक्वेंसी चेंजेस देन द रिएक्टन्स ऑफ द कॉइल ऑल्सो चेंजेस एंड रिजल्टिंग इन अ स्मॉल एरर, उस वजह से वहाँ पे स्मॉल एरर हो सकता है। तो इसको एडजस्ट, इसके लिए एडजस्टमेंट क्या करनी होगी अपने को, मीटर इज प्रॉपरली डिजाइन, मीटर को प्रॉपरली डिजाइन करना, तो ये है फ्रिक्वेंसी। ठीक है, फ्रिक्वेन्सी एरर म्हणजे काय की सप्लाय फ्रिक्वेन्सी जर चेंज झाली आपली तर कॉइलचा रिॲक्टन्स सुद्धा काय होत असतो, चेंज होत असतो आणि त्यामुळे तिथे एक स्मॉल एरर होतो, आणि हा एरर आपल्याला मिनिमाइज करण्यासाठी ऍडजस्टमेंट काय करायचं मग, मीटर हे प्रॉपरली
हीच ऐड करायचं आहे. क्लिअर आहे? देन नेक्स्ट व्होल्टेज व्हेरिएशन्स. सेवन्थ इयर आहे आपला व्होल्टेज टू व्हेरिएशन. सो दी शंट मॅग्नेट फ्लक्स विल इन्क्रीज विथ इन्क्रीजिंग द व्होल्टेज. शंट मॅग्नेट फ्लक्स हे इन्क्रीज होतं आपलं, तिथलं व्होल्टेज जसं इन्क्रीज होत असतं शंट मॅग्नेट फ्लक्स सुद्धा काय होणार आपलं इन्क्रीज होणार आहे. त्यामुळे ड्रायव्हिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्हणतो आपण फर्स्ट पॉवर ऑफ द फ्लक्स. ड्रायव्हिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट पॉवर ऑफ द फ्लक्स. वेर एज ब्रेकिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर ऑफ द पाई स्क्वेअर. क्लिअर? शंट मॅग्नेट फ्लक्स अगर इंक्रीज हो गया तो शंट मैग्नेट फ्लक्स आपका इंक्रीज होते रहता है जैसे जैसे आपका वोल्टेज इंक्रीज होगा. तो उसकी वजह से यहाँ पे ड्राइविंग टॉर्क ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा वहाँ के आपके फ्लक्स को, यानी फर्स्ट पावर ऑफ द फ्लक्स. एंड ब्रेकिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा स्क्वायर ऑफ द फ्लक्स को, ठीक है, एंड पाई स्क्वायर को. तो देयरफॉर इफ द सप्लाई वोल्टेज इज हायर देन द नॉर्मल वैल्यू, अगर आपका सप्लाई वोल्टेज हायर रहा नॉर्मल वैल्यू से, देन द ब्रेकिंग टॉर्क विल इंक्रीज. तो आपका ब्रेकिंग टॉर्क इंक्रीज हो जाएगा मच मोर, ठीक है, देन द ड्राइविंग टॉर्क. ब्रेकिंग टॉर्क आपका इंक्रीज हो जाएगा, ड्राइविंग टॉर्क मच मोर, एंड वाइस वर्सा, इसके एग्जैक्टली अपोजिट. ठीक है, सप्लाई वोल्टेज जर हायर असेल आपला नॉर्मल व्हॅल्यू पेक्षा, तर तिथला ब्रेकिंग टॉर्क हा ड्रायव्हिंग टॉर्क पेक्षा मच मोर ना इन्क्रीज होईल आणि त्याच्या अपोजिट मध्ये होईल. ठीक आहे, सो द रिझल्ट इज दॅट मीटर हॅज अ टेंडन्सी टू रन स्लो ॲट हायर दॅन अ नॉर्मल वोल्टेज. तो इसका रिझल्ट क्या मिळेगा अपने को, कि मीटर क्या करेगा, मीटर की टेंडन्सी बन जाएगी तो वो रन होगा स्लो एट हायर देन नॉर्मल वोल्टेज. हैज अ टेंडेंसी टू रन स्लो, ये रन होगा स्लो स्लो से, स्लो स्पीड से एट हायर देन नॉर्मल वोल्टेज. हायर देन नॉर्मल वोल्टेज रहा हुआ होगा तो आपका मीटर क्या होगा, स्लोली रन होगा, ठीक है, एंड फास्ट एट रिड्यूस वोल्टेज. और वो फास्ट होगा है रिड्यूस वोल्टेज, ठीक है, समझ लो. याचा रिझल्ट काय मिळाला आपल्याला, मीटर ही टेंडन्सी अशी बनते की ते रन होतं स्लो स्लो स्पीडला ऍट हायर देन नॉर्मल व्होल्टेज असेल तेव्हा, आणि ते फास्ट रन होत आहे जेव्हा तिथलं व्होल्टेज हे रिड्यूस्ड असेल तेव्हा. ठीक आहे, आणि मग याच्यामध्ये ऍडजस्टमेंट काय करता येईल आपल्याला, प्रॉपर डिझाईन ऑफ द मॅग्नेटिक सर्किट ऑफ द शंट मॅग्नेट. शंट मॅग्नेटिक मॅग्नेटिक सर्किट आहे त्याचं प्रॉपर डिझाईन करायला लागेल. क्लिअर? हे आहे आपलं सेवन्थ इयर. एंड लास्ट इयर है आपका ओवरलोड एरर. तो दिस एरर कैन बी कंपेंसेटेड बाय प्रोवाइडिंग अ फ्लक्स डाइवर्टर टू द करंट मैग्नेट. ठीक है, दिस फ्लक्स दिस एरर कैन बी कंपेंसेटेड बाय प्रोवाइडिंग अ फ्लक्स डाइवर्टर. क्या करना होगा हमें, वहां पे ओवरलोड एरर को कंपेंसेट करने के लिए हमें एक वहां पे फ्लक्स डाइवर्टर प्रोवाइड करना होगा करंट मैग्नेट को. ठीक है, इस एरर कैन बी कंपेंसेटेड, ओवरलोड एरर को कंपेंसेट करने के लिए हमें फ्लक्स डाइवर्टर क्या करना होगा, करंट मैग्नेट को प्रोवाइड करना होगा. समझ लो, ते हे आहे ओवरलोड एरर. ठीक है, ओवरलोड एरर ला कंपेंसेट करण्यासाठी आपल्याला तिथे फ्लक्स डाइवर्टर करंट मैग्नेट ला प्रोवाइड करायला लागेल. क्लियर? सो दीज आर दी वेरियस एरर्स विच आर टेकिंग प्लेस इन दी एनर्जी मीटर. तो ये एट टाइप की एरर्स है आपकी. ठीक है, और उसके कंपेंसेशन मेथड्स हम लोग देखें. क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं बहुत बार कि व्हाट आर दी एरर टेकिंग प्लेस इन दी एनर्जी मीटर. ठीक है, एंड एक्सप्लेन एनी वन एनी टू, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं. या फिर पर्टिकुलरली आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज दी क्रीपिंग एरर इन दी एनर्जी मीटर एंड हाउ विल कंपेंसेट इट. क्रीपिंग एरर क्या होता है और उसको कंपेंसेट कैसे करते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जाम. तो उसकी वजह से ये एरर्स आपको ध्यान में रखना होगा. ठीक है, तो एरर्स आठ टाइप्स के हैं एनर्जी मीटर में. एक है फेज एरर फर्स्ट वाला, सेकंड है आपका स्पीड एरर, थर्ड है आपका फ्रिक्शनल एरर, देन फोर्थ है आपका क्रीपिंग एरर, देन फिफ्थ है आपका टेम्परेचर एरर, सिक्स्थ है आपका फ्रिक्वेंसी एरर, सेवन्थ है आपका वोल्टेज एरर, एंड एट्थ है आपका ओवरलोड एरर. क्लियर है? वैसे एट टाइप्स के एरर्स आज के लेक्चर में हमने
देखें एनर्जी में क्या क्या, क्लियर है? जैसे हमने वाट मीटर में एरर्स देखे थे, वैसे एनर्जी मीटर भी एरर्स होते हैं, तो ये एक एरर्स एनर्जी मीटर में होता है। और उसको मिनिमाइज करने के लिए क्या क्या एडजस्टमेंट करते हैं, यानी कि उसको कंपेंसेट करने के लिए क्या क्या करते हैं अपन, वो भी इसमें मैंने आपको बताया। ठीक है, तो विल स्टॉप हियर। ठीक है, यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे। ठीक है, विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थ्री फेज इंडक्शन टाइप जनरेटर करेंगे नेक्स्ट क्लास, राइट? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर, विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।